करम्बोली में मनसे का चक्का जाम आंदोलन, बिजली बिल माफ करने की मांग, प्रदर्शन में घंटों बंद रहा महामार्ग। लॉकडाउन में ज्यादा बिजली बिल भेजने के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। आज रायगढ़ मनसे ने करम्बोली हाईवे पर मोर्चा निकाला और नारेबाजी करते हुए घंटों तक चक्का जाम किया। मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। मनसे पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले 5 महीने से लॉकडाउन में जहाँ जनता आर्थिक संकट में है, वहीं बिजली विभाग नागरिकों को लूटने में लगा है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि बिजली बिल माफ नहीं किए गए तो मन से हर शहर में हाईवे जाम करेगी और सरकार का विरोध करेगी। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये गेली 4 ते 5 महिने झाले कोविडमुळे लोक त्रस्त आहेत, बरोबर आहे। त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलची वाढीव बिल येत आहेत, शाळांचे डोनेशन घेतले जात आहेत वाढीव, एवढं होऊन संपत नाही। तर त्याच्यामध्ये MSEB ने वाढीव लाईट बिलं पाठवलेली आहेत प्रत्येकाला। आज कालच्या दिवशी माझ्याकडे एक तक्रार आलेली आहे, त्यांचं लाईट बिल आहे जवळजवळ 52,000 रुपये एका महिन्याचं। लाईट बिल 52,000 रुपये एका महिन्याचं लाईट बिल त्यांचं 52,000 रुपये येतं। एखाद्या जनतेने भरायचं म्हटलं तर त्यांनी करायचं काय, कसं चालायचं, त्यांचं घरदार कसं काय चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा एक सरकारला इशारा आहे की आता आम्ही फक्त रास्ता रोको केलेला आहे, याच्यापुढे आगे जर का हे जर तुमचं चालत राहिलं तर मनसे पेकडात लाद घालायला कमी करणार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।